सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीसीजी 174 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें मैं आप सभी को इस वीडियो में 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा बीपीसीजी 174 ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, ठीक है? तो देखिएगा बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया, मैंने इस सब्जेक्ट की क्लासेस भी पढ़ा रखी है और आप लोग उस क्लास को भी जाकर के जरूर देख सकते हैं। 1.5-2 घंटे के आसपास की क्लास है जिसमें मैंने पूरी किताब पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों का एग्जाम है बीपीसीजी 174 तो उस वीडियो को जाकर के अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके बाद पहले मैं आपको बता दें वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा, कैसे देख सकते हैं जिसे आपका एग्जाम हो जाएगा साथ में, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताता हूँ। चलिए बता देता हूँ वीडियो आप कैसे देख। आपको बीपीसीजी 174 के एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले चैनल पर आना पड़ेगा। जैसे आप लोग चैनल पर आओगे ना, जैसे यहाँ पर है अध्ययन एजुकेशन सेंटर, जैसे आप चैनल पर आएंगे तो आपको जैसे होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट पर जाओगे तो यहीं पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, मैराथन क्लास ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, ठीक है? इस प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, ठीक है? जैसे आप लोग इस प्लेलिस्ट पर जाओगे ना, जैसे इस प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे आ गए तो यहीं पर देखिएगा बीपीसीजी 174 की मैंने क्लास पढ़ा रखी है, जो लगभग 1 घंटा 31 मिनट की मैंने इसमें पूरी किताब पढ़ा रखी है। आप लोग जाकर के इसको जरूर देख सकते हैं, इससे आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? मैं जरूर बता रहा हूँ। और पूरी किताब मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखी है, पूरी मैराथन क्लास है, इससे आपका पूरा पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा, इस बात को याद जरूर रखिएगा, ठीक है? इसको जाकर के जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1.5 घंटे का वीडियो अगर आपने देख लिया तो पेपर आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपका पेपर पास हो जाएगा। तो चलिए मैं आप सबको क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। देखिएगा आपका जो एग्जाम होगा ना बीपीसीजी 174 का, ये 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा मेरे? 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 35 नंबर पास होने के लिए थे, कितना? 35 मार्क्स। और आपका एग्जाम जो रहेगा वो 3 घंटे का होगा, ठीक है? याद रखिएगा, नोट्स को देखे क्या है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर। देखो एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? और इसमें 2 भाग दिया गया, भाग 1 है, भाग 2 है। 1 भाग में से 3 क्वेश्चन करना है, 1 में से 2 करना है, ठीक है? सभी क्वेश्चन लगभग 20-20 नंबर का रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना है, कितना? एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना है, इस मेरी बात को याद जरूर रखिएगा, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन, देखो भाग कम है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये पहले चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में है कि मनोविज्ञान और मीडिया में क्या संबंध है बताना है, ये मैंने पढ़ा रखा, वीडियो जाकर के देख लेना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मीडिया फ्रेंडम क्या है, परासामाजिक संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिए। मीडिया फ्रेंडम क्या है, परासामाजिक संबंध क्या है, यानी जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, मीडिया संस्कृति को कैसे आकार देती चर्चा कीजिए। गाइस जो मीडिया है, जो अखबार है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा, जो कल्चर है, उसको कैसे आकार देती है। अरे भाई आज के तुम सब देख ही रहे हो ना कि हम लोग टीवी में देख देख कर हर चीज सीख रहे हैं, जो भाई हमारा कोई तीज त्योहार, कपड़े लत्ते जो पहनने वाला है, तो भाई एक प्रकार से मीडिया ही है जो क्या कर रही है, हमारी संस्कृति को बना रही है ना। आज देखो पहले जमाने में हमारी संस्कृति कैसी थी, आज पूरी संस्कृति बदलती चली जा रही है, विदेशी सभ्यता लोग अपना रहे ना, तो मीडिया का ही तो प्रभाव है। चौथा क्वेश्चन देखे क्या है, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में क्या करनी है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी करना, क्या? शॉर्ट नोट लिखना। जैसे का क्या है, मीडिया मनोविज्ञान में शोध विधियां क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है, मीडिया मनोविज्ञान में कौन कौन सी शोध विधियां हैं। खा क्या है, मीडिया मनोविज्ञान में शोध में नैतिक मुद्दे क्या है, यानी मीडिया मनोविज्ञान में शोध के कौन कौन से मुद्दे हैं, ये भी 10 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? और देखिए चौथा क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो ना, आपको का और खा दोनों लिखना पड़ेगा, ये नहीं आपने एक लिख दिया और आपने एक छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब भाग खा में देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, निस्लिंगीकरण को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ मीडिया और निस्लिंगीकरण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्या निस्लिंगीकरण क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? क्या है भाई मेरे,
मिसलिंगीकरण क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखा, वीडियो जाकर के देख लेना, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो क्या, इंटरनेट की लत की अवधारणा लक्षण की व्याख्या कीजिए, लोगों पर इंटरनेट की लत का प्रभाव। आज भाई इंटरनेट का लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है देख रहे हो ना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है इंटरनेट पर, तो इंटरनेट वाला क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। आज जो हमारा मास मीडिया है, मास मीडिया यानी जैसे न्यूज पेपर होता है, टीवी होता है, टीवी पर जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल आते हैं, उसके कारण से विज्ञापन जो ऐड आती है ना, जो प्रचार आता है टीवी में, वो पूरी तरह से बदल गया है ना, अगर हम लोग बात करें तो। सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, मीडिया के एक शैक्षण सहायता के रूप में उपयोग किया वर्णन के। भाई आज जो मीडिया है लोगों को जागरूक कर रहा ना, लोगों को शिक्षित करता ना, इसके रूप में बताना भाई मीडिया के जरिए तो लोगों में जागरूकता आती है, लोगों को जो जानकारियां मिलती है कहां से मिलती है, वो सारी जानकारियां लोगों को मीडिया से ही मिलती है। कहां से मिलती है जी, मीडिया से ही मिलती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मीडिया एक प्रकार से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर रहा है। इस प्रकार से अगर आप लोग देखो, एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन लिखने रहेंगे, ठीक है। अरे मैंने जो क्लास पढ़ा रखी, इस क्लास को जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर बताता जाता हूँ, देखिएगा। बीपीसीजी 174 ये आपकी बुक का ही नाम रहेगा, जैसे आप सबको पता होगा। और ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, कब का, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाकी सारी चीजें सेम ही लिखी है, नोट्स और सारा सेम ही लिखा है। हम लोगों को क्वेश्चन देख लेते हैं, भाग एक में देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, संचार के दो चरणीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए, मानव संज्ञान और व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव के। भाई मानव संज्ञान पर और व्यवहार पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है बताना। आज सोशल मीडिया जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंटरनेट का जो प्रभाव है सोशल मीडिया के, जो भी फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उनका प्रभाव लोगों पर भाई बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना, तो वह बताना। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मीडिया मनोविज्ञान में भूमिका की। भाई मीडिया मनोविज्ञान, मीडिया मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि मीडिया मनोविज्ञान क्या, उसकी भूमिका बतानी है। मीडिया शोध के लिए विशिष्ट जटिलताओं को स्पष्ट कीजिए, या मीडिया शोध के लिए कौन कौन सी जटिलताएं हैं उसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, परासामाजिक संबंधों की विशेषताओं और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भाई हमारे जो परासामाजिक संबंध है उनकी विशेषता एवं प्रभाव की क्या करनी है, चर्चा करनी है, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखो, वास्तविकता के सामाजिक निर्माण के प्रति विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। भाई जो वास्तविकता है उसके सामाजिक निर्माण के प्रति कौन कौन से दृष्टिकोण है वो आपको बताना, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। भाग दूसरे में देखो क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, स्वास्थ्य संचार क्यों आवश्यक है, जो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य संचार है क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य संचार के प्रसार के दृष्टिकोणों और विभिन्न चैनलों को स्पष्ट कीजिए। भाई जो स्वास्थ्य संचार है इसके कौन कौन से दृष्टिकोण है और इसके कौन कौन से चैनल आपको बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, सारा मैंने पढ़ा रखा, आप लोग जाकर के वीडियो जरूर देख लेना। छठा क्वेश्चन देखो क्या है, मीडिया हिंसा और मानव मनोविज्ञान पर इसके प्रभाव का सैद्धांतिक व्याख्या। भाई मीडिया, मीडिया जिस प्रकार से, जैसे उसमें हिंसा, मारकाट, लड़ाई झगड़ा मीडियम दिखता नहीं, टीवी में अखबार में सब आता रहता है, उसका हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये मेरी बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम डिजाइन करने के चरण बताओ। भैया ऐसे कौन कौन सी चीज जिसे हम अच्छे से बढ़िया एड बना सकते, प्रचार बना सकते, जो टीवी में अखबार में आता है, ऐसे कौन कौन से प्रभावी विज्ञापन है जिनको हम लोग कार्यक्रमों में डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे चरण बताना है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री में मीडिया के उपयोग का, आज जो पढ़ने पढ़ाने में उसका मीडिया का भाई बहुत ज्यादा उपयोग किया जाए। आज जो अखबार है, न्यूज पेपर है, कितनी सारी सूचना देता ना। आज जो लोग बच्चे यूपीएससी की, एसएससी की जो तैयारी करते हैं, आज देखो उसमें अखबार, जो हमारा न्यूज चैनल है, कितनी मदद करे ना तमाम जानकारियां देने में ना। तो शिक्षण सहायक सामग्री में टीचरों को पढ़ाने भी कह सकते, टीचर भी कई सारी प्रकार की जानकारियां बच्चों को लाकर देते हैं, जहां कहां से पाते हैं वो भी भाई मेरे अखबार से पाते, न्यूज पेपर से पाते ना। तो आज शिक्षक सहायक सामग्री में मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आठवां क्वेश्चन रहेगा ना। इस प्रकार से अगर आप देखें, एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना ही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा बीपीसीजी 174
ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का, जून 2022 का। देखिए क्या है, बीपीसीजी 174 मीडिया और मनोविज्ञान आपकी बुक का नाम है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिएगा का पहला क्वेश्चन देखो, सोशल मीडिया शब्द का वर्णन कीजिए। भाई सोशल मीडिया क्या है, ये तो सबको पता है, सोशल मीडिया तो वही है जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है। मानव संज्ञान और व्यवहार पर मीडिया और सोशल मीडिया का पर, देखो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए स्टार मार्किंग कर लो, जो जो बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। मीडिया और सोशल मीडिया क्या है भाई, मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों पर, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, मीडिया प्रतिनिधित्व में राजनीति, आज जो मीडिया उसमें राजनीति भाई कितनी दिखाई दे, अरे पूरी मीडिया में राजनीति राजनीति की खबरें सबसे ज्यादा छप रही ना, देखते नहीं अभी इलेक्शन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखो, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्य बताओ। आज देखो क्वेश्चन रिपीट होगा ना भाई, मास मीडिया में अगर आप देखोगे जो न्यूज चैनल जो टीवी अखबार है वहां पर देखोगे विज्ञापन जो उसमें प्रचार आता है, जो ऐड आती है वो पूरी तरीके से बदल गए। आज जो टीवी में जो ऐड आती है, अखबार में जो ऐड आती है, जैसे जूते की है, चप्पल की है, शैम्पू की है, साबुन की है, दुनिया भर की ऐड आती रहती ना, देखते नहीं हो। मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन भाई कैसे बदल रहा है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, परासामाजिक संबंधों की विशेषताओं और प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। आज जो परासामाजिक संबंध यानी आज जो हमारा एक दूसरे से संबंध जो रिलेशन है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं मीडिया के कारण और सोशल मीडिया के कारण बताना है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, मीडिया मनोविज्ञान में शोध जटिल क्यों है। भाई मीडिया और जो मनोविज्ञान है उसमें जो शोध है, उसमें जो रिसर्च है वो जटिल क्यों होती चली जा रही है। मीडिया मनोविज्ञान में शोध के नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए। मीडिया मनोविज्ञान में शोध में कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं वो आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखो, संस्कृति पर मीडिया का प्रभाव क्या है। जितने क्वेश्चन में बता रहा हूँ सभी इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। आज हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उस पर मीडिया का प्रभाव क्या पड़ रहा है ये आपको बताना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। आज हमारी जो संस्कृति है, खान पान है, पहनावा, जो रीति रिवाज है, उस पर देखते नहीं टीवी पर, टीवी का कितना प्रभाव है, मीडिया का कितना प्रभाव है ना, पता होगा ना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखो क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई आज जो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा है भाई, जो आज पढ़ाई लिखाई जो रही उसमें स्वास्थ्य बताते नहीं भाई, कैसे बीमारी उमारी से लड़ा जा सकता है, और स्वास्थ्य संचार में अंतर बताना है। स्वास्थ्य संचार के प्रसार के विभिन्न चैनलों की ऐसे कौन कौन से न्यूज चैनल हैं, ऐसे कौन कौन से न्यूज चैनल हैं जहां पर हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को जानकारी दी जा रही है। मीडिया में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आता है जिसमें भैया लोगों को कैसे खाना खाना, कैसे पानी पीना है, कैसे अपनी सेहत को अच्छा रखना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तमाम तरह के जानकारी देते हैं मीडिया में आती रहती, दुनिया भर की जानकारी आती रहती ना, वही बताना है। आठवां क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित पर प्रत्येक पर लगभग 200 शब्दों में क्या करनी है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी करनी, यानी आठवें क्वेश्चन में जैसे का और खा है दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आप आठवां क्वेश्चन देखो, का क्या है, मीडिया में अपराधों का निरूपण, देखते हैं मीडिया में भैया कितना खबर आता रहता है अपराध अपराध का, कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं लूट हो गई, कहीं भ्रष्टाचार हो गया, कहीं रेप हो गया, इस प्रकार की घटनाएं आती नहीं मीडिया में भाई, मीडिया में तो अपराध की खबरें खूब आती, वही बताना है। खा क्या है, साइबर अपराध का तरीका, भाई साइबर अपराध क्या है, अरे सोशल मीडिया पर जो लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं उसको साइबर अपराध बोला जाता है, यानी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है, यूट्यूब पर जो लोग अपराध कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, यही साइबर अपराध होता है। साइबर यानी ऑनलाइन में जो अपराध हो रहा है उसी को हम लोग साइबर अपराध करते हैं। किस प्रकार से हो रहा है इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, वही मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम बहुत आसान आता है। जो मैंने क्लास पढ़ा रखी है उस क्लास को जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और आप सभी का जो एग्जाम है आसानी तरीके से पास हो जाएगा। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप सबको 5 ही क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है, और 5 क्वेश्चन अच्छे से लिख दीजिएगा, जो जो मैंने बताया उसको आपको जरूर करके जाना है। ये जो मैराथन क्लास का मैंने प्लेलिस्ट बताई चैनल पर आपको जाना है, इस प्लेलिस्ट को जाकर के देख लेना, ठीक है, इससे आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा।
अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ओके ठीक है।